Ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Team D Official. मैं हूँ Diego D. तो guys, एक और टेस्टिंग के साथ हम आ चुके हैं एंड आज जिस प्लेयर की guys टेस्टिंग होने वाली है वो होने वाला है CSW रोनी. काफी उम्दा guys खिलाड़ी होने वाले हैं तो आज देखेंगे कि टेस्टिंग में किस तरीके का परफॉर्मेंस इनका रहने वाला है, किस तरीके से मारने वाले हैं. तो चलिए guys जल्दी से मैच की तरफ चल पड़ते हैं. तो guys, are you ready for the battle? तो चलिए guys स्टार्ट करते हैं. सो लीजिए guys, मैच हो चुका स्टार्ट एंड द फर्स्ट राउंड हैज अराइव्ड. देखना होगा मुकाबला कैसा रहने वाला है. क्लॉक टावर में guys आ चुके हैं हम एंड रोनी सामने की तरफ होने वाले. सामने तरफ टीम डी के दो प्लेयर जिनमें से एक डेजर्ट ईगल एंड दूसरा प्लेयर भाई ओल्ड गन चला सकता है. तो डेजर्ट ईगल सक्षम आज चलाने वाले हैं एंड CSW रोनी काफी उम्दा guys खिलाड़ी होने वाले हैं. देखना होगा आज किस तरीके से खेलने वाले हैं, कौन करेगा पहला वार, ये देखने को आप और हमें भी एक रहा. तो देखना होगा मैच स्टार्ट एंड तो मुकाबला काफी उम्दा जरूर होने वाला है. CSW रोनी, CSW के गाइस काफी उम्दा खिलाड़ी है एंड रोनी का मैंने गेम प्ले काफी बार देखा है. जिस तरीके से ये प्लेयर मारता है काबिले तारीफ. लेकिन जी सामने तरफ सक्षम होने वाला है एंड बॉल की रफ्तार ये साबित कर रही है कि भाई इस प्लेयर की जो इच्छाएं हैं वो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाली है. लेकिन जी नहीं, आरवी बनना पहले राउंड में इसलिए यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे. रोनी स्टार्टिंग के राउंडों में मेरे को लग रहा है थोड़ा सा उलझते हुए नजर आ रहे हैं एंड अनलिमिटेड की शायद ये प्लेयर होने वाले हैं. तो कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे यूएमपी को प्रेफर जरूर करेंगे एंड जी अब की बार यूएमपी इनके हाथों में आ चुके हैं. लेकिन देखना होगा एक शून्य के लिए टीम डी प्लेयर्स के खाते में. CSW रोनी थोड़ा सा प्रेशर जरूर होने वाला है. दूसरा राउंड आ चुके गाइस एंड दूसरे राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं मिल में. 1v2 की टेस्टिंग है. रोनी काफी उम्दा खिलाड़ी, काफी तेज से आगे जाते हुए नजर आ रहे. कमाल क्या करने वाली ये मैं जरूर देखने चाहूंगा. सामने तरफ सक्षम एंड आरवी बनना भी यूएमपी लेके आ चुके हैं. तो बच के रहने की जरूरत जरूर होने वाली है रोनी को क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे टीम डी प्लेयर्स यहाँ पे घेर के मारते हैं तो भाई वो बड़ी मुश्किलों में जी. काफी अच्छा खासा डैमेज आरवी बन्ना को दे दिया गया. लेकिन जल्दी से वॉल का इस्तेमाल यहाँ पे रोनी को भी कर देना चाहिए क्योंकि रोनी को पता है कि भाई सामने वाले जो प्लेयर होने वाले वो भी काफी उम्दा प्लेयर है. तो गलतियां नहीं करनी चाहिए, गलतियों से सीखेंगे एंड तब मुकाबले में आगे बनेंगे. जी एक ही बॉल के अंदर हो सकते थे लेकिन बाहर की तरफ आरवी बनना निकल गए हैं एंड यहां पे सक्षम का देखना होगा. डेजर्ट ईगल की आजकल बहुत उम्दा शॉट यहां पे लगाते हैं. सामने तरफ आगे होने वाले एंड व्हाट अ रेड नंबर शॉट दैट वाज अनबिलीवेबल शॉट बाय द सक्षम. वन एंड ओनली रेड नंबर का शॉट 495 का टीका लगता हुआ रोनी के हेड पे. अब की बात सक्षम जैसा मैं बोल रहा था कि डेजर्ट ईगल के बहुत उम्दा खिलाड़ी होने वाले हैं इसलिए यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे. CSW रोनी को अब की बार बहुत बड़ी परेशानी में होने वाले. जिस तरीके से टीम डी प्लेयर्स मुकाबला दिखा रहे हैं वो काबिले तारीफ. लेकिन CSW रोनी थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली होने वाला है. तीसरा राउंड आ चुके गाइस और तीसरा राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं उस मैच में. 1v2 की टेस्टिंग एंड रोनी जी यहां पे कमाल क्या करने वाले. जी गाइस मुकाबला काफी उम्दा एंड कहीं ना कहीं गाइस यहां पे देखना होगा रोनी क्या चाहते हैं. अंधा क्या जाए दो आंखें एंड रोनी क्या चाहे भाई एक राउंड अपना खाता खोलने के लिए. लेकिन क्या वो राउंड इनको मिल पाएगा मैं जरूर देखना चाहूंगा. अच्छी आरवी बनना काफी देर से इनके सामने आगे बढ़ते हैं, मेरे को जरूर नजर आ रहे हैं. रोनी को बचकर रहने की जरूरत होने वाली है. हेल्थ पूरी तरीके से मुकम्मल, हेलमेट वेस्ट पूरी तरीके से मुकम्मल. सामने एक तरफ टीम डी के दो प्लेयर्स हैं. GM10 का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे. बढ़िया जल्दी से यहाँ पे वोल का इस्तेमाल भी किया. पता है इनको कि मुकाबला जिस तरीके का होने वाला है तो बहुत छोटी छोटी गलतियां सिंपल मिस्टेक विल प्रूव टू बी अ बिग मिस्टेक. तो गलतियों से सीखिए एंड मैच में आगे बनते हुए मेरे को दिखाई दीजिए. जिस तरीके से मुकाबला एक प्लेयर नजर आ रहा है मेरे को लग रहा है कि अब की बार कुछ कमाल कर सकता है. लेकिन जब सामने तरफ टीम डी के दो ऐसे प्लेयर हो जो कि भाई बिल्कुल यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा हो जिनका पूरी तरीके से इनको डाउन ले जाने के लिए सक्षम हो तो यहाँ पे भाई मौका नहीं होने वाला. जी यहाँ पे सक्षम पीछे से जरूर यहाँ पे एंड कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि जोन के काफी पास होने वाले हैं. जोन से यहाँ पे बाहर की तरफ जी यहाँ पे जी 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 बढ़िया. अब की बार एक प्लेयर को जरूर यहाँ पे डाउन लेके गए एंड शायद यहाँ पे ये एक अच्छी शुरुआत का संकेत हो सकता है. लेकिन सक्षम जब तक बचे हैं तब तक बहुत बड़ी मुश्किलों में होने वाले. एंड जोन का संकेत की अगर बात करें तो जोन काफी जल्दी से श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है. तो जितना जल्दी हो सके जोन के फेवर में चले जाइए एंड वहां पर जाके सक्षम को डाउन जाने की कोशिश कीजिए. तभी यहाँ पे मुकाबले में जी यहाँ पे बन सकते हैं. तो कहीं ना कहीं रोनी गाइस अपना खाता जरूर खोल चुका है. स्कोर लाइन पे खाता खोलने में अभी भी नाकाम है एंड जी सक्षम यहाँ पे जी डेजर्ट ईगल का शॉट लगाने में काफी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सक्षम है. सक्षम काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाले एंड जी 1v1 का मुकाबला, 1v1 का मुकाबला होने वाला है. रोनी के पास एक गोल्डन चांस जरूर होने वाला है इस मुकाबले को यहाँ पे इस राउंड को इजिली लेके जा सकते हैं. लेकिन बच के रहना होगा क्योंकि सक्षम थोड़ी सी दूरी बनाए रखना चाहते हैं. उनको पता है कि भाई
काफी क्लोज से यहाँ पे डेजर्ट ईगल का शॉट लगा पाना काफी मुश्किल होगा, काफी ज्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि सक्षम थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहते हैं। जी 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 बढ़िया शॉट है 67 का शॉट है, मैं इसी की बात कर रहा था कि एकदम से आके जिस तरीके से ये प्ले चकमा देता हुआ मेरे को नजर आता है, तो कहीं ना कहीं आपको बच के रहने की जरूरत होने वाली है। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे कंगाली में आटा गीला हो जाए, कहीं ना कहीं एक किल इनको जरूर मिला है, लेकिन यहाँ पे सक्षम डाउन देके चले जाए एंड इस मैच में दोबारा से यहाँ पे कमाल कर जाए। अब की बार रोनी कोई भी मौका नहीं देंगे। यहाँ पे मेरे को लगा था कि यहाँ पे थोड़ा सा सक्षम कुछ ट्विस्ट ला सकते थे मैच में, लेकिन नहीं, यहाँ पे रोनी M10 के शोर लगा के यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे CSW रोनी कमबैक करेंगे, काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाली है एंड स्कोर लाइन पे अपना खाता खोलकर मैच में बनने की कोशिश करते हुए CSW रोनी। चौथे राउंड एंड चौथे राउंड में गैस हम पहुंच चुके हैं केप टाउन में एंड जी मुकाबला डेफिनेटली काफी बेहतरीन होने वाला है। जिस तरीके का मुकाबला यहाँ पे रोनी से हम चाहते हैं शायद वैसा मुकाबला हमें देखने को मिले। मे बी गैस हमें देख सकते हैं कि रोनी काफी तेजी से मेरे को आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं एंड इनको भटकना नहीं है, भटकेंगे तो अटकेंगे भाई, भटकना नहीं है। जिस तरीके से RVG सामने तरफ होने वाले एंड सक्षम पीछे से आज के एंड सक्षम अगर डेजर्ट ईगल का शॉट इनको गलती से भी कनेक्ट कर देते हैं तो बड़ी मुसीबतों में हो सकते हैं। रोनी यहाँ पे बच के रहने की जरूरत होने वाली है, देखना होगा क्या कमाल करने वाले। काफी तेजी से मेरे को सक्षम की तरफ हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जी बच के ज्यादा मोमेंट भी यहाँ पे अनवांटेड मोमेंट की जरूरत नहीं है एंड जी यहाँ पे एक बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती रोनी की तरफ से। एक राउंड भाई निकाल के लेके जरूर गए थे, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं भाई आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, गलती कर दी यहाँ पे। शायद यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जरूर गया था रोनी के पास एक राउंड के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाई बहुत बड़ी गलती। सक्षम बेहतरीन डेजर्ट ईगल का शॉट लगा रोनी को डाउन लेके जाएंगे, दोबारा से सेम प्रेशर रोनी के ऊपर होने वाला है। पांचवें राउंड गाइस, पांचवें राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं मास सिलेक्टिव में एंड CSW रोनी एक राउंड जरूर निकाल के लेके गए थे, लेकिन मेरे को लगता है कि दो दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी रात एंड इस अंधेरी रात में दोबारा से क्या ये भाई राउंड निकाल सकते हैं। या फिर टीम डी के जो प्लेयर इनको दोबारा से हमें डाउन लेके जाना चाहते हैं। जी सक्षम के सामने आप इतना मौका नहीं दे सकते, सक्षम के सामने अगर इतना खुले में आकर अगर आप मारने की कोशिश करेंगे तो सक्षम चूकने वाला नहीं है भाई, ये प्ले बिल्कुल भी नहीं चूकता। एंड आर्मी की भी बात करें तो काफी बेहतरीन तरीके से मेरे को खेलते हुए जरूर यहाँ पे नजर आ रहे, तो थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत नहीं होने वाली। पिछले राउंड में आफत मोल इन्होंने जरूर ली थी एंड जी अब की बार आर्मी बनना छोड़ेंगे, आर्मी बनना डेफिनेटली यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले, बहुत मुश्किलों में होने वाले रोनी। एक राउंड निकाल के जरूर लेके गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वापसी का कोई भी संकेत देते हुए नजर नहीं आ रहे। टीम डी के प्लेयर्स लगातार इनको कंक्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा गाइस यहाँ पे मुकाबले में क्या कमाल करने वाले। फिलहाल अगर स्कोर लाइन की बात करें तो 4-1 होगा स्कोर लाइन का। छठे राउंड आज के गाइस और छठे राउंड में गाइस सेंतोसा में पहुंच चुके हैं जी। रोनी तेजी से जरूर मेरे को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गाइस मैं मुकाबला देख रहा हूं तो मुकाबले में परेशानी बहुत इनको होती हुई नजर आ रही है। उम्दा खिलाड़ी गाइस यहां पे डेफिनेटली होने वाले, गेम मैंने इनका देखा है 4v4 में काफी अच्छा खेलते, लेकिन आज 1v2 की टेस्ट में किस तरीके का परफॉर्म रहने वाला है। जी यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पे तो बहुत बड़ी गलती, यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग अगर करेंगे तो टीम की प्लेस यहाँ पे आपके दांत खट्टे भाई करवाने के 1% भी पीछे हटने वाले नहीं है, तो गलती यहां पे मत कीजिए। जिस तरीके से आरबी के ऊपर धावा बोला अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वॉल का इस्तेमाल भी साथ में करना चाहिए था, वो बड़ी गलती। फायदा पूरी तरीके से टीम डी प्लेयर्स को, एनएससी के साथ गए 4 पॉइंट की एक बड़ी लीड होने वाली है टीम डी प्लेयर्स की। बात सातवें राउंड में गाइस हम पहुंच चुके हैं CPR में। रोनी भाई यहाँ पे बहुत पिछड़ चुके हैं, मौके काफी कम, गैप बहुत ज्यादा। हम नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं रोनी वापसी कर सकते हैं, वो तो भाई इनके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से वापसी करेंगे, मैं जरूर देखना चाहता हूँ। जी ये बढ़िया शॉट आरबी बनने की तरफ से यहाँ पे काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पे लगाया गया, क्या ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे लगाया। इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में मैच पॉइंट पे पहुंच चुके टीम डी प्लेयर्स एंड साफ साफ सारी कहानी यहाँ पे स्कोलन गाइस यहाँ पे बयां करता हूं मेरे को नजर आ रहा है। 5 पॉइंट की एक बड़ी लीड होने वाली है, जिसको यहाँ पे पार कर पाना बड़ी मुश्किल होने वाली है CSW रोनी के लिए। आठवें राउंड आ चुके गाइस और आठवें राउंड में हम पहुंच चुके गाइस रिवर डैम पे एंड मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है भाई कि ये CSW रोनी अंडे के सहजादे होने वाले हैं, यहाँ पे अनुभव ही होने वाले मेरे को लग रहा है लिमिटेड में। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को लगता है कि प्लेयर काफी उम्दा है, लेकिन सामने जब दो प्लेयर है टीम डी के, जब भाई वो प्लेयर जो 1-2 के प्लेयर के बराबर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई मुकाबला तो
तो डेफिनेटली उमदा होने वाला है। 5 पॉइंट की लीड, मैच पॉइंट पे टीम डी प्लेयर्स, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अभी वापसी का संकेत देना चाहिए। अगर इस राउंड में वापसी नहीं करते तो देन इट विल द लास्ट राउंड ऑफ द मैच, और बड़ी मुसीबत रोने के लिए ये हो सकती है कि भाई इन्होंने बोला था कि मैं राउंड निकाल के लेके जाऊंगा, लेकिन अभी तक एक ही राउंड निकाल पाए। स्टार्टिंग में बढ़िया यहाँ पे राउंड जरूर निकाला था, लेकिन उसके बाद तो कामयाब हो ही नहीं पाया। आरबी वर्णा लगातार इन पर रश करने की कोशिश करें, एंड सक्षम जब तक आएंगे तब तक यहाँ पे शायद मुश्किलें हो सकती है, तब तक शायद यहाँ पे मुश्किलें हो सकती है। लेकिन जी रोनी काफी जल्दी से अपने आपको ग्लोवाल में पैक करेंगे, बचने की कोशिश यहाँ पे मेरे को करते हुए नजर आ रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे बचने के चक्कर में यहाँ पे मुंह की खानी पड़े, तो थोड़ा सा बच के खेलने की जरूरत होने वाले। क्या मुंह तोड़, क्या यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देने वाले जी, जिसका जवाब होने वाला है जी बिल्कुल एक प्लेयर को थ्रू यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे। सक्षम अभी भी बचे हुए जो इनको दो राउंडों में डाउन लेके गया, सक्षम के पास एक मौका होने वाला है इनको डेजर्ट ईगल का मजा चखाने का, लेकिन हेल्थ बहुत कम, सक्षम की हेल्थ गाइस यहाँ पे बहुत कम होने वाली है। लेकिन जी रोनी क्या कमाल करने वाले जरूर देखना चाहूंगा जी। यहाँ पे सक्षम चालाकी दिखा रहे, इनको पता है कि भाई इस तरफ से भी प्लेयर आ सकता है, तो यहाँ पे कच्ची गोलियां नहीं खेली सक्षम ने, यहाँ पे गलती नहीं करना चाहेंगे जी। 1v1 के मुकाबले एक लास्ट चांस होने वाला है रोनी के पास, इससे बढ़िया गोल्डन चांस मेरे को नहीं लगता कि कोई हो सकता है। सक्षम सामने की तरफ होने वाले, डेजर्ट ईगल वो प्लेयर चला रहे, इससे बढ़िया गोल्डन चांस नहीं लगता गाइस मेरे को कोई हो सकता है। एंड जी मिस आउट हो रहे हैं सक्षम, मिस आउट हो रहे हैं, यहाँ पे शॉट लगाने की कोशिश जरूर अपना किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा आज जरूर। यहाँ पे रोनी ने भाई ओकली में सिर दे दिया, एंड मार काफी गंदी पड़ने वाली है, आखिरी राउंड साबित हो सकता है जी। रोनी ऊपर की तरफ से आएंगे, एंड कहीं यहाँ पे डेजर्ट का शॉट यहाँ पे कनेक्ट हो सकता था, लेकिन जी नहीं मिस आउट होंगे सक्षम। ड्रैग आउट यहाँ पे नहीं, और ड्रैग नहीं हो रहा था, काफी मुश्किलों में मेरे को जरूर दिखाई दिए सक्षम ड्रैग करने में, लेकिन कहीं ना कहीं CSW गाइस एक उम्मीद की किरण मेरे को जरूर दिखाई दी, निराशा में आशा की किरण कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा गाइस किस टाइम तक यहाँ पे कितने राउंडों तक इनको कंटिन्यू कर पाएंगे, या इसी राउंड में गाइस टीम डी प्लेसेस मैच को इस टेस्ट को खत्म करने वाले। हम पहुंच चुके हैं हैंगर में, एंड हैंगर में भाई हैंग तो रोनी हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे राउंड निकालने में नाकाम है। 2 राउंड ओनली निकाले, 3 राउंड और चाहिए, बहुत दूर दिल्ली अभी दूर, मंजिल बहुत दूर, निकालना क्या आसान होगा मैं जरूर देखना चाहूंगा। आरवी बन्ना सामने की तरफ होने वाले, आपकी बारी यहाँ पे क्या कमाल करने वाला है आरवी, सक्षम काफी उमदा कैसे खिलाड़ी होने वाले। रोनी जी यहाँ पे डेजर्ट ईगल के शॉट लगाते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करने में कामयाब जरूर हो रहे, लेकिन आरवी यहाँ पे खुद को शायद हील करके मैच भी दोबारा से बनेगा, तब तक आएंगे तब तक यहाँ पे हील खुद को कर चुके हैं आरवी बन्ना। एंड देखना होगा सक्षम जी यहाँ पे थोड़ा बहुत नेट का मेरे को लग रहा है कि अप डाउन होने वाले, या फिर थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है कि भाई वाली उनका करते हैं, देखते हैं कितना दम इस प्लेयर में होने वाला है। सामने तरफ अभी आरवी बन्ना होने वाले, एंड जी M10 के शॉट लगा के काफी बारी तो डाउन लेके गए, लेकिन जी बिल्कुल आरवी को अब की बार भी यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे। एंड सक्षम यहाँ पे काफी लेट आए, जब तक आए तब तक यहाँ पे लंका लुट चुकी थी, आरवी बन्ना यहाँ पे डाउन हो चुके थे, बड़ी मुसीबतें दोबारा से, एंड एक गोल्डन चांस दोबारा से रोनी को मिलता मेरे को जरूर नजर आ रहा, लेकिन देखना होगा गाइस इस गोल्डन चांस से क्या यहाँ पे फायदा उठा पाएंगे। सामने तरफ होने वाले गाइस यहाँ पे टीम डी के 2 प्लेयर्स होने वाले थे, आरवी बन्ना को जरूर यहाँ पे डाउन ले लेगा, एंड मेरे को लगता है कि भाई पुरजोर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है प्लेयर CSW रोनी, पुरजोर मेरे को कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा यहाँ पे क्या कमाल यहाँ पे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ कपल ऑफ राउंड जरूर चाहेंगे कि अपने खाते में और जोड़ दिया जाए, लेकिन क्या जोड़ पाएंगे ये एक बड़ा सवाल जरूर होने वाला है। सक्षम को डेजर्ट ईगल का शॉट लगाने के लिए बिल्कुल यहाँ पे तड़पते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई एक और डेजर्ट ईगल का शॉट लगाना बस इनको, लेकिन इनको संभल के खेलने की जरूरत होने वाली है। रोनी संभल के नहीं खेलेंगे तो मुसीबतें यहाँ पे बहुत बड़ी रोनी के ऊपर आ सकती है, तो यहाँ पे संभल के खेलने की जरूरत है। बढ़िया शॉट है, लेकिन जी काफी दूर यहाँ पे होने वाले थे, अगर पास में होते तो M10 के शॉट से काफी अच्छा यहाँ पे डैमेज दे सकते थे, या फिर नॉकआउट भी करके जा सकते थे, लेकिन जी नहीं यहाँ पे रोनी थोड़ा सा परेशानी में, पीछे से जोन भी आता हुआ मेरे को नजर आ रहा है, तो जल्दी से यहाँ पे जोन में बंद के इस मुकाबले को कोई और ही रुख देना चाहिए, इस मुकाबले को कोई और मंजिल देते हुए मेरे को नजर आने चाहिए। लेकिन जी जोन का संकेत भाई दोनों के फेवर में 50-50 होने वाला है, सक्षम शायद यहाँ पे कुछ कमाल कर सकते हैं। जी नहीं यहाँ पे शायद यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे जरूर कर सकते हैं सक्षम, एंड जी ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएंगे। रोनी की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, रोनी पहले ही ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं, रोनी यहाँ पे कमाल क्या करने वाले मैं जरूर देखना चाहूंगा। एंड रोनी के पास गाइस एक गोल्डन चांस जरूर होने वाला है, एंड शायद यहाँ पे जोन के संकेत के पास आ चुके हैं, डेजर्ट ईगल का शॉट लगाना सक्षम के लिए बहुत मुश्किल, लेकिन खिलाड़ी मार्जिन थोड़ा सा फिर से कम होता मेरे को नजर आएगा।
दसवां राउंड और दसवां राउंड में गाइस कट ऑफ से हमें पहुंच गए हैं गाइस। पिछले दो राउंडों से इस प्लेयर ने गाइस कोहराम मचाया हुआ भाई, बिजलियां गिरा रहा है ये प्लेयर, क्या पुरजोर कोशिश मेरे को करता हुआ नजर आ रहा है एंड कामयाब भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि कामयाब होते हुए मेरे को जरूर नजर आ रहे हैं। सक्षम आरवे सामने तरफ एंड सक्षम आरवे जरूर चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनको खत्म करके इस मुकाबले को अपनी तरफ लिया जाए। सक्षम को डैमेज बहुत अच्छा पड़ चुका है एंड आरवी बनना गाइस अभी क्या कमाल करने वाले मुकाबला काफी उनका चलता है। जी जैसा मैं बोला था कि कहीं ना कहीं रोनी थोड़ी सी मुसीबतों में मेरे को जरूर नजर आए थे, लेकिन पिछले दो राउंडों में जो धज्जियां उड़ाई गई है टीम डीप्लेस की वो काबिले तारीफ जरूर होने वाला है, लेकिन देखना होगा यहाँ पे मुकाबला अभी भी चल रहा है एंड सिक्का किसके पक्ष में गिरने वाला है ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। इस राउंड का सिक्का किसके पक्ष में जाने वाला है, क्या वो टीम डी होने वाली है सीएसडब्ल्यू रोनी? जी काफी अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे सीएसडब्ल्यू रोनी को पड़ चुका है। जी आरवी उठने का नाम नहीं ले रहे, बहुत अच्छा डैमेज यहाँ पे जरूर दे दिया गया एंड सक्षम भी एक मौका तलाश रहे हैं कि भाई मैं इनको डाउन लेके जाऊं, लेकिन सक्षम को अभी तक वो मौका नहीं मिल पाए, एक बेहतरीन चांसेस को नहीं मिल पाए कि जिससे भाई डेजर्ट ईगल का शूट यहाँ पे कनेक्ट कर सके, क्योंकि जब भी आपने देखा तो 1v1 का यहाँ पे मुकाबला मेरे को करते हुए नजर आया जो कि काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सक्षम के लिए इम्पॉसिबल यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखना होगा यहाँ पे सीएसडब्ल्यू रोनी नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन भाई नामुमकिन में भी मुमकिन है तो ये बंदा कमाल कर सकता है। आरवी बाहर की तरफ इनको पूरी तरीके से यहाँ पे रोकने की कोशिश मेरे को करते हुए जरूर यहाँ पे नजर आ रहा है, लगातार पानी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा यहाँ पे सीएस रोनी की तरफ से रणनीतियां क्या रहने वाली, क्या अंदर तक जाके कुछ और कमाल करने वाले। लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर। मुकाबला काफी उम्दा चलता हुआ 6-3 स्कोर लाइन सारी कहानी बयां करते हुए सामने की तरफ आरवी एंड सक्षम, दो ऐसे प्लेयर जिनको रोक पाना काफी मुश्किल, लेकिन यहाँ पे देखना होगा गाइस क्या आरवी एंड सक्षम इनको रोक पाएंगे मुकाबला। जी सामने तरफ आरवी यहाँ पे वॉल काफी बेहतरीन तरीके से लगाते हुए एंड सर्टेनली गाइस यहाँ पे ये प्लेयर कमबैक जरूर किया इस प्लेयर ने, लेकिन जी 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 इवेंचुअली गाइस इस मैच में यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे आरवी बन्ना की बार कोई मौका ना देते हुए। मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं मोमेंट बहुत कम यहाँ पे लास्ट के राउंड में कर रहे थे, मोमेंट करते रहना चाहिए था, मोमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, फायदा पूरी तरीके से टीम डी प्लेयर्स को मिलता हुआ एंड आरवी बनना क्या बेहतरीन तरीके से 5 राउंड निकाले। सक्षम ने 2 राउंड एंड एक डेजर्ट ईगल का शॉट जो मेल पे लगाया था वो भूलने लायक नहीं है, वो काफी उम्दा गाइस शॉट होने वाला था। सीएसडब्ल्यू रोनी की बात करें गाइस अब 6 किल के 3 आउट अपने खाते में जोड़े, लेकिन कहीं ना कहीं 7-3 से गाइस मुकाबला टीम डी प्लेयर्स निकाल के लेके गए। तो गाइस आपको मुकाबला कैसा लगा एंड ये टेस्टिंग आपको कैसे लगी जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर गाइस।